कैथल जिले में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है। कैथल जिले की पंजाब और दूसरे जिलों के साथ लगती सीमा को केंद्र सरकार के आदेश पर सील कर दिया गया है। कैथल के डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने जिले की सीमा पर लगाए गए नाकों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात की। जिस तरह की जो गाइडलाइन आ रही हैं, जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर सील करने की बात है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सील करने की बात है, वो सारे स्टेप्स हमने लिए हुए हैं और इस तरह कोई इन्फिल्ट्रेशन है नहीं हमारे यहाँ अभी, ताकि जैसे पंजाब में कुछ केस मिले हैं, हमारे पड़ोसी जिलों में भी कुछ केस पॉजिटिव हुए हैं, तो हम लोग ज्यादा विजिलेंट हैं। उसी सिलसिले में आज ये था जो इंटरस्टेट हमारे बॉर्डर्स हैं उनको चेकिंग के लिए आज आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर कितना आवागमन है, आवागमन हो रहा है तो किस माध्यम से हो रहा है, तो हम और क्या करेक्टिव स्टेप्स उठाएं ताकि उनको कर्व किया जा सके। तो काउंटर पार्ट से हमारी उनसे बात होती रहती है, पुलिस के पुलिस विभाग से, प्रशासन के प्रशासन विभाग से, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं यहाँ पर IG हरदीप सिंह जी हैं, तो वो भी अपने बात करते रहते हैं। तो वो सब जगह ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि भाई नो इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, इवन इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ हैं उस जगह ही रह जाएंगे, तो उसमें वही सेफ्टी है, सिर्फ एक ही मूल मंत्र है। जैसा डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने बताया कि कैथल जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए 6 राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में 122 मजदूरों को ठहराया गया है। राहत शिविरों में मजदूरों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन लगाए गए हैं। मुश्किल हालात में प्रवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, कुछ लोग आए हैं मतलब पंजाब की तरफ से, तो हमारे अभी 3 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, कलायत में, कैथल में और चीका में चल रहे हैं। तो सिर्फ 122 ही लोग हैं, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है और उनका जैसे कल आदेश थे वहाँ पर TV वगैरह लगाने के, उनको काउंसलिंग करने के, कुछ इस तरह से, क्यों इस तरह की स्थिति है कि इसमें लोग जो जहाँ हैं वहीं उनको रहना है, तो थोड़ा सा उनकी मनस्थिति को ठीक करने के लिए जो भी संभव कदम है वो हम उठा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने बताया कि कैथल जिले में तबलीगी जमात के 8 जनों की पहचान की गई है। इनमें से 4 दिल्ली और 2 यमुनानगर के हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में आने वाले 2 जनों को भी अलग रखा गया है। तबलीगी के हमारे जिले में सिर्फ 8 लोग आए हैं हमारे उसमें, जिसमें से 4 तो वो हैं जो दिल्ली से, 2 हैं यमुनानगर से और 2 हैं जिनके वो कॉन्टेक्ट में आए, तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो यहाँ एक जींद में हैं, एक किसी और दूसरे जिले में, लेकिन वो यहाँ रह के गए थे तो उनके कॉन्टेक्ट में 2-8 लोग हैं। डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने प्रशासन का सहयोग करने के लिए कैथल जिले की जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है और इससे बचाव में ही समझदारी है। मैं कह सकता हूँ कैथल जिले के निवासियों ने बहुत इसमें साथ दिया है और काफी हद तक जो है ना वो हम इसमें कामयाबी कह सकते हैं कि लोगों को पता लगा है कि इसका, क्यों वैक्सीन नहीं है तो इसका बचाव ही इलाज है, हम अपने घर में रहें, दूरी बना के रहें, जरूरत हो तभी बाहर निकलें, तो काफी हद तक उसमें हम ये कह सकते हैं हमें सफलता मिली। इस बीच कैथल जिले के प्रभारी IG हरदीप दून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे रोशनी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर कोरोना के अंधेरे को दूर करने की अपील की है। 5 तारीख को आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए कहा है कि 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक सभी लोग दिया, मोमबत्ती, मोबाइल और टॉर्च, इन सब के लिए अपनी घरों के बाहर निकलेंगे, बालकोनी में आएंगे। मैं कैथल की 11.5 लाख जनता से अपील करता हूं कि आप सभी इसमें भाग लें और इसको कामयाब बनाएं, ताकि इस कोरोना को, रूपी अंधेरे को हम इस प्रकाश से इसको भगा दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिला प्रशासन के काम काज के संबंध में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।